Realme 8i। तो फ्रेंड्स इस फोन के अंदर फाइनली सॉफ्टवेयर अपडेट जो आ चुका है। तो फ्रेंड्स कैसे अपडेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राजा बीट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Realme 8i। तो गाइस सबसे पहले तो आपका वाईफाई जो आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे गाइस आप वाईफाई कनेक्ट करते हो फिर आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में गाइस जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, अबाउट डिवाइस पे चले जाना है, यहाँ पे गाइस आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो चेकिंग फॉर अपडेट्स लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल वर्जन Realme UI 3.0 Android 12, और यहाँ पे इसकी साइज भी आप देख सकते हो 403 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। तो यहाँ से हम जो डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 94% मैंने डाउनलोड करके ही रखा था ताकि वीडियो बनाते टाइम ज़्यादा समय न लगे। तो गाइस एक बार डाउनलोड हो जाए फिर कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। अभी रिसेंटली इस फोन के अंदर ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वेरीफाइंग लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको शांति से वेट करना है। फिलहाल जो कुछ भी प्रोसेस होगी वो ऑटोमेटिकली होगी, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, बस शांति से फोन को देखे रहना है कि ये कब स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो रियलमी की ब्रांडिंग आ चुकी है, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन अपडेट, और यहाँ पे कुछ प्रोसेस ले रहा है, ये प्रोसेस ख़त्म होने तक आपको शांति से वेट करना है। और यहाँ पे ऐसे 7 स्टेज लेगा, ये ऐसे प्रोसेस 7 बार होगी, तो आपको शांति से जो वेट करना है। और दोस्तों यहाँ पे शायद आप रीड कर पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेटिंग प्लीज़ वेट, अपडेटिंग डू नॉट रिसेट, ये ऐसा लिखा हुआ है। और ये हमारा दूसरा स्टेज चल रहा है, जैसे कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, ऐसे 7 बार प्रोसेस होगा और ये ऑनलाइन अपडेट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो रियलमी की ब्रांडिंग आ चुकी है, और वो प्रोसेस थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पे शायद और एक प्रोसेस लेगा फिर हमारा फ़ोन जो स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात फ्रेंड्स कि जब भी आप अपना स्मार्टफोन अपडेट करते हो तो ओनली फॉर आपका फ़ोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेट होता है, यहाँ पे आपका डेटा जो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होता। और आपका चार्जिंग जो है यहाँ पे आपको 50% से ऊपर रखना है जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तब। फिर ऐसा भी ना हो कि हमारा फ़ोन जो अपडेट की प्रोसेस में है और चार्जिंग की वजह से हमारा फ़ोन जो स्टार्ट ही न हो पाए, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपका चार्जिंग जो है यहाँ पे आपको 50% से ऊपर रखना है। और गाइस फाइनली हमारा फ़ोन जो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अभी रिसेंटली हमने इस फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया वो कम्प्लीटली हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आप जैसे ही क्लिक करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा था वो कम्प्लीटली हट चुका है, और यहाँ पे आप अबाउट डिवाइस में जाके भी चेक कर सकते हो रियलमी। यहाँ पे गाइस आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्जन अप टू डेट Realme UI 3.0 Android 12, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका वर्जन का नंबर वगैरह जो मेंशन किया गया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप Realme 8i के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।